कोठी मीना बाजार स्थित खाटू श्याम धाम पर श्री मोरबी नंदन सेवा मंडल की ओर से चल रही खाटू श्याम कथा में सातवें दिन कथा में श्री कृष्ण आशीर्वाद, खाटू श्याम महिमा, फूलों की होली और संपूर्ण कथा का सारांश के प्रसंग का वर्णन किया गया, जिसे सुन भक्ति मंत्र मुग्ध नजर आए। कोठी मीना बाजार स्थित खाटू श्याम धाम पर श्री मोरबी नंदन सेवा मंडल की ओर से चल रही खाटू श्याम कथा के सातवें दिन कथा में श्री कृष्ण आशीर्वाद, खाटू श्याम महिमा, फूलों की होली और संपूर्ण कथा का सारांश वर्णित किया गया। व्यासपीठ से महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज ने कहा कि बर्बरिक का शीश काटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बर्बरिक के शीश को अमृत से सींच कर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले कि जब तक पृथ्वी नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण महाभारत युद्ध का जायजा ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरिक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा कि हे वीर बर्बरिक, आप कलयुग में मेरे श्याम नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नवमंडल उत्सल्लित हो उठा। श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। कलयुग में यह बर्बरिक खाटू श्याम या श्री श्याम के नाम से पूजनीय है। कथा स्थल पर फूलों की होली से माहौल वृंदावन जैसा हो गया। अध्यक्ष राम अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को प्रातः पूर्णाहुति के बाद कलश वितरण किया जाएगा। शाम को 7 बजे श्याम बाबा का संकीर्तन और सम्मान समारोह का आयोजन होगा। रूप में बाबा श्याम की साप्ताहिक 7 दिनों की भागवत श्री श्याम कथा हुई, जो आज हिंदुस्तान में तो पहली बार हुई। 3 दिवसीय कथा, 5 दिवसीय कथा, कई कथाएं उज्जैन में हुई, कई वृंदावन में हुई, कई कथाओं में मैं गया हूँ। और इसमें जो आगरा के समस्त लोगों को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस काम में हिस्सा लिया है। मतलब मैं शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो उनको घमंड हो जाएगा। बस इतना ही कह दूं। जब आपको यहाँ का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, निमंत्रण हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि ये, मतलब मैंने सोचा कि ये बच्चे लोग क्या काम करेंगे, तो मैंने कहा देखूंगा, मैं आऊंगा देखूंगा। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि मैं आऊंगा। 1 हफ्ता पहले फिर फोन आया तो मैं इसको टरका दिया, सीधी बात। अरे देखते हैं यार, आके देखते हैं। मैंने कहा ये बच्चे लोग, बाद में इसने कटिंग भेजी मेरे को पेपर की। वो कटिंग जो पेपर की मैंने पढ़ी तब मेरे को लगा नहीं यार, ये लोगों ने इन लोग क्या जाना चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। 7 दिन यहाँ चला हुआ है और कल अपार भीड़ के साथ हुआ है। यहाँ 7 दिन आनंद हुए, यहाँ पे पहली बार देखने के लिए याद रह जाए कि आगरा होता है। मैं चाहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर से हर साल भक्तों के द्वारा इसी योजना को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा के और अच्छे से मतलब जवाब में चला के। संस्थापक अध्यक्ष श्री मोरबी नंदन सेवा मंडल, आज सप्तम दिवस का समापन होने जा रहा है, बाबा का क्या कहना है जी? जैसा कि सभी भक्तों ने यहाँ इतने हर्षोल्लास के साथ बाबा की कथा का आनंद लिया, यह एक ख्वाब था, एक सपना था जो सभी श्याम देवी ने मिलकर पूरा किया। जब हम लोगों से बात करते थे बाबा की कथा के लिए, बाबा की सप्त दिवसीय भगवत कथा के लिए, तो लोग एकदम चौंक जाते थे कि क्या ऐसी चीज होती है। लेकिन यहाँ वह सपना पूर्ण हुआ है, यहाँ इतना सहयोग मिला है श्याम देवियों का, इतना ये समझिए कि इतिहास रच चुका है। कल नंद किशोर शर्मा जी, नंदू भैया भी आगमन रहा था, शीश का गान रहा था और एक अपने आप ही इतना सैलाब था भक्तों का, इतना रमणीय वातावरण था। इस अवसर पर महामंत्री अमित अग्रवाल, पार्षद मुरारी लाल गोयल, पूरन डावर, निर्मला दीक्षित, संदीप उपाध्याय, सेठ श्रवण कुमार, योगेश मित्तल, अनिल शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।